Hello dear students, I hope you all are okay, safe at your home with your families. So in last video, we have discussed the first aspect of crop improvement, that is crop production management. Aur is video mein hum crop improvement ka jo hai wo second aspect explain karenge, that is क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. मैं आपको पहले भी इंट्रो दे चुकी हूँ. क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का मतलब है बेटा जो क्रॉप्स हैं उसकी वैरायटीज़ में, वैरायटीज़ जैसे कैसे कैसे हो सकती हैं, जैसे उनकी यील्ड हायर हो सकती है, उनकी डिजीज़ से फाइट करने की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, उनकी एक्सट्रीम कंडीशंस में जो है वो सर्वाइव करने की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है. तो इस तरह की फसल तैयार करना कि वो चाहे जैसे भी कंडीशंस आए उनको बियर अप कर लें और डैमेज ना हो, उसको हम बोलते हैं क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट. To get improved variety, plant breeders select plant varieties with desired characters and cross them. The developed offspring combine attributes of both the parents. इसमें क्या किया जाता है बेटा, सपोज एक क्रॉप है उसके पास जो है वो फोटो इनसेंसिटिविटी है, दैट मीन्स कि जो सनलाइट है वो तेज़ होने पर भी सर्वाइव कर सकता है और कम होने पर भी सर्वाइव कर सकता है, वो बेसिकली फोटो इनसेंसिटिव है. और दूसरी एक उसी क्रॉप की ऐसी भी ब्रीड है जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस है, कि जिसको जल्दी से कोई बीमारी नहीं लगती. तो जो ब्रीडर्स होते हैं, प्लांट ब्रीडर्स, वो क्या करते हैं, दोनों की डीएनएस को मिक्स कर देते हैं बाय हाइब्रिडाइजेशन, डिजायर्ड करेक्टर्स को मिक्स कर देते हैं ताकि जो नई वैरायटी बने उसके अंदर ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स हों, फोटो इनसेंसिटिव भी हो वो और डिजीज़ रेसिस्टेंट भी हो. तो इस तरह से जो है वो अब ये सीड जो है इसकी वैरायटी इम्प्रूव हो गई, ये फोटो इनसेंसिटिव भी हो गया और डिजीज़ रेसिस्टेंट भी हो गया. तो यही ये कह रहा है कि इम्प्रूव वैरायटीज़ जो है वो प्लांट जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ को सेलेक्ट करते हैं और उनके कैरेक्टर्स को क्रॉस कर देते हैं और जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है उसके अंदर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. आई थिंक यू गॉट इट. नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ, अब इसकी ज़रूरत क्या है वैरायटीज़ को इम्प्रूव करने की. टू गेट हायर यील्ड, पहली बात तो कि हम क्या कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पैदावार बढ़ा सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो क्रॉप है वो ख़राब भी नहीं होगी किसी कंडीशन में, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी, ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो ग्रो करेगी. नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड क्वालिटीज़. Quality consideration varies from crop to crop, example baking quality of feed, protein quality of pulses, oil quality in oil seeds etc. अब अलग अलग जो crops हैं उनकी varieties को जो है बेटा वो improve किया जा सकता है. Varieties को किस तरह से improve किया जा सकता है, अलग अलग जो crops होती हैं उनकी बेटा अलग अलग जो हैं वो quality considerations होती हैं. For example कि वीट है वो कितनी जल्दी कितनी अच्छे से बेक होता है, या फिर पल्सेस हैं जो हमारी दालें हैं उनके अंदर प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है, या फिर जो हमारी ऑयल सीड है जैसे मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, उनके अंदर सीड की क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी है. तो ये सब कुछ एक्सपेक्ट जो है वो इम्प्रूव करे जा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ बायोटिक एंड ए बायोटिक रेसिस्टेंट, चाहे कोई बायोटिक फैक्टर है जो क्रॉप को रेजिस्ट कर सकता है, क्रॉप को ग्रो करने से रोक सकता है, ख़राब कर सकता है, या ए बायोटिक है उससे रेजिस्टेंट होनी चाहिए. बायोटिक में कैसे आ जाएंगे, जो डिजीज़ लग जाती है किसी तरह की, माइक्रोब से या फिर इंसेक्ट से जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है. और ए बायोटिक के अंदर क्या आ जाएगी, जैसे कि ड्रॉट है, सूखा है, या फिर सेलाइन कंडीशन है, ज़्यादा नमकीन हो जाती है ज़मीन. तो उसका एक एग्जांपल है MUW318HYV सीड. HYV स्टैंड्स फॉर हायर यील्ड वैरायटी सीड ऑफ वीट विच इज़ रेजिस्टेंट टू रस्ट. ये एक ऐसी जो है वो प्लांट ब्रीडर्स ने सीड तैयार की है बेटा जो कि रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है, जिसके ऊपर रस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगता है. नेक्स्ट इज फोटो इनसेंसिटिविटी एंड थर्मोसेंसिटिविटी. फोटो मीन्स लाइट, थर्मो मीन्स टेम्परेचर. फोटो इनसेंसिटिव मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो सनलाइट है, लाइट है, उसे इनसेंसिटिव हो जाए, चाहे वो थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी सी कम हो तो उसको प्लांट जो क्रॉप जो है वो बियर अप कर पाए. या फिर थर्मो इनसेंसिटिविटी, थर्मो इनसेंसिटिविटी, थर्मो स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको भी प्लांट जो है वो बियर अप कर पाए.
सो नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. अब ये जो प्लांट ब्रीडर्स हैं वो सेलेक्ट करके उनकी जो जो डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ होती हैं उनको मिक्सअप कैसे करते हैं, उनको बनाते कैसे हैं फिर न्यू वैरायटी के अंदर, अब हम वो डिस्कस करेंगे. जो मैकेनिज्म है बेटा वो मैकेनिज्म 3 स्टेप्स के अंदर जो है वो अचीव हो जाता है. क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज़ अचीव्ड बाय प्लांट ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग इंक्लूड्स फॉलोइंग 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज सेलेक्शन एंड थर्ड इज़ हाइब्रिडाइजेशन. अब हम तीनों जो स्टेप्स हैं इनको बहुत अच्छे से देखेंगे. सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर ग्रोइंग प्लेस टू अ न्यू रीजन विद डिफरेंट क्लाइमेट इज कॉल्ड एज प्लांट इंट्रोडक्शन. प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है बेटा, सपोज वो वैरायटी जो हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स जिसके अंदर है हमें चाहिए है वो हमारे एरिया में नहीं है, तो वो जहाँ पर भी है, सपोज कोई ऐसी ब्रीड है जो कि हिल्स में ग्रो कर रही है और अभी हमें वो चाहिए, तो हम उसको वहाँ से निकाल कर और अपने यहाँ जो है अपनी क्लाइमेट के अंदर जो है वो ग्रो कर देंगे. उसको बोलते हैं हम इंट्रोडक्शन, कि जहाँ पर भी वो वैरायटी पाई जाती है पहले उससे वहाँ से अपनी जहाँ पर हम रहते हैं हमें जहाँ चाहिए होती हैं वहाँ हम उसको प्लांट कर दें. द एडजस्टमेंट ऑफ सच प्लांट टू देयर न्यू रीजन इज कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन. वॉट इज एक्लेमेटाइजेशन? अब जैसे ही उस प्लांट को हम उसकी वैराइटीज़ को हम यहाँ ग्रो करेंगे अपने यहाँ, तो क्या होगा कि कुछ एक प्लांट्स जो हैं वो नहीं ग्रो कर पाएंगे, कुछ एक अच्छे से ग्रो कर पाएंगे. तो जो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे वो कैपेबल हो जाते हैं उस कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, और उस एडजस्टमेंट ऑफ सच प्लांट्स टू देयर न्यू रीजन इज कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन. उसकी कि इन्हीं एडजस्टमेंट की क्वालिटी को हम बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन, या प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन. एग्जाम्पल, क्रॉप सच एज पोटैटो, कॉफ़ी, टी, टोबैको, ग्राउंडनट एट्सेट्रा आर इंट्रोड्यूस फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जैसे कि जो ये सारी क्रॉप्स हैं, टोबैको प्लांट है, ग्राउंडनट है, कॉफ़ी है, पोटैटो है, टी है, ये सभी जो वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों से इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है. तो दिस इज़ इंट्रोडक्शन, कि जो भी हमें चाहिए जहाँ पर भी प्रेजेंट है वहाँ से हम उसको अपने नेटिव एरिया के अंदर ले आएँ. सेकेंड इज सेलेक्शन. अब हमें क्या करना है, वो डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ जो है वो प्योर लाइन के अंदर चाहिए, मतलब सिर्फ ऐसे सीड चाहिए जिनके अंदर वो क्वालिटी जो है वो प्रेजेंट हो. तो उससे हम क्या करते हैं, अब जो ऊपर हमने इंट्रोड्यूस किया था उसके अंदर जितने भी हमने सारे क्रॉप्स लगाए थे, अब सारे के सारे तो नहीं सर्वाइव करेंगे, कुछ सर्वाइव कर पाएंगे कुछ नहीं, और जो कुछ सर्वाइव कर पाएंगे उनमें भी ये चेक करना पड़ेगा कि जो क्वालिटी हमें चाहिए वो उसमें है या नहीं है, या फिर किसी वजह से जो है वो उसमें ख़त्म हो गई है. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलेक्शन. तो सेलेक्शन जो है वो दो स्टेप्स के अंदर होता है. फर्स्ट इज मास सेलेक्शन, अनदर इज प्योर लाइन सेलेक्शन. तो सबसे पहले हम देखेंगे मास सेलेक्शन. To get most desirable offspring, after introduction, plant with desirable characters are separated and grow. जैसे ही हमने उनको इंट्रोड्यूस कर दिया था अपने एरिया के अंदर, तो जिस जिस के अंदर हमें ये लगेगा कि डिज़ायरेबल करेक्टर्स हैं उनको हम उन प्लांट से अलग कर लेंगे और उनको फिर दूसरी जगह पर ग्रो करेंगे, ताकि सिर्फ वहाँ पर वो प्लांट्स ग्रो करें जिसके अंदर हमारे डिज़ायरेबल करेक्टर्स हैं. फिर भी उन डिज़ायरेबल करेक्टर्स में से फिर एक आधा प्लांट ऐसा निकल आएगा जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं शो हो रही हों, क्योंकि टू सेपरेट अ सिंगल सीड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. तो दोबारा से हम ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास प्योर लाइन सीड्स ना आ जाएं. प्योर लाइन सीड्स का मतलब कि सारी वही सीड्स प्रेजेंट हैं जो हमें डिज़ायर्ड करेक्टर जिसके अंदर प्रेजेंट हैं जो कि हमें चाहिए फिर आगे. प्योर लाइन सेलेक्शन. नाउ दीज सीड्स आर ग्रोन अगेन एंड अगेन टू इंक्रीज देयर क्वांटिटी. अब ये सीड्स हमारे पास कौन सी आ गई, सिर्फ डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ वाली, डिज़ायर्ड करेक्टर्स वाली. तो अब हम इन सीड्स को जो है वो लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं ताकि इन सीड्स का जो है वो नंबर बढ़ाया जा सके. अब हो गया, दो प्रोसेस करे हमने. फर्स्ट हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया नेटिव प्लेस पर अपने जहाँ भी है वो वहाँ से प्रेजेंट लेकर. उसके बाद सेकंड में हमने सेलेक्शन किया कि हमारे पास प्योरली वही सीड्स आ जाएं
जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसके अंदर कोई भी वो डिज़ायर क्वालिटी प्रेजेंट है जो हम डेवलप करना चाहते हैं। एंड थर्ड वन इज़ हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऊपर वाले दो स्टेप्स करें हैं बेटा, ये अलग अलग सीड्स के लिए किए जाते थे। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था कि एक सीड हमने फोटो सेंसिटिव ली थी और एक सीड हमने जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट ली थी। तो पहले हम वो सारा प्रोसेस फोटो सेंसिटिव के साथ करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी प्योर लाइन इकट्ठी करेंगे, फिर हम जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट वाले की प्योर लाइन इकट्ठी करेंगे, फिर दोनों की हाइब्रिडाइजेशन करवा देंगे। व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिससिमिलर प्लांट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू काइंड, कि उन दोनों के जो है वो जेनेटिक्स, उनका जीन्स मिक्स करके और एक न्यू प्लांट बनाया जा सके, और उस न्यू प्लांट को हम बोलते हैं हाइब्रिड, और इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो फिर ये हाइब्रिडाइजेशन, ये जो जीन, मैंने जीन मिक्स करने की बात करी, ये जो जीन मिक्स किया जाता है बेटा, ये एक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो मिक्स किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के अंदर वेरियस स्टेप्स होते हैं बेटा, जो कि स्टेप टू स्टेप फॉलो करके बनाई जाती हैं, उसके जीन्स मिक्स किए जाते हैं। दिस टेक्नोलॉजी रेफर्स टू ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एक जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, और जिसका इस तरह से डीएनए मिक्स करके बनाया होता है उस ऑर्गेनिज़म्स को हम जीएमओ बोलते हैं। व्हाट इज़ जीएमओ? जीएमओ इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो थर्ड स्टेप हमारा है, दैट इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट।